देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। आज के इस नफसा नफसी के दौर में हमने देखा है और सुना है कि भाई ने भाई को किया बेघर, अपने रिश्तेदारों का हक मारना आम बात हो गई, कब्रिस्तानों की जमीनात को कब्जे करना ये भी आम बात हो गई, कफन के नाम पर चंदा करना, पानी को बेचकर पैसे कमाना, हराम की कमाई यानी फाइनेंस को बिजनेस का नाम देकर इमारतें खड़ा करना, यतीमों बेवाओं माजूरों के नाम पर पैसा कमाना, ऐसा है हमारा हैदराबाद जो आए दिन कई वाकये देखने को मिले। लेकिन एक ऐसा वाकया जो आप देखेंगे तो हैरत करेंगे कि ऐसी औलाद होने से ना होना अच्छा है, जो हमको फसलांसर सैयद नगर के इलाके में देखने को मिला। एक माँ और उसकी बेटी को किया बेघर उसी के बेटे ने, जिसका नाम मोहम्मद हमीद है। तफसीलात के मुताबिक 180 गज पर करीमा बेगम का मकान बना हुआ है और बड़ी अरमानों से और बड़ी मेहनत कर ये घर को उसने बनाया था। और ये घर किसके लिए बनाया था? इसी बेटे के लिए और इसी की बेटी के लिए। लेकिन मोहम्मद हमीद ने शादी के बाद माँ और बहन पर जुल्म करना शुरू कर दिया और इतना जुल्म किया कि उनको बेघर कर दिया। पिछले 15 दिन से माँ और बेटी यानी करीमा बेगम और उनकी बेटी हाजरा बेगम दूसरों के घरों में रहना लगे हैं। हमीद उनके पास से उनके कागजात ले लिया और तो और जुल्म की इंतहा करते हुए करीमा बेगम बंजारा हिल्स पर एक मकान में काम करती है और उसको हर महीना 5,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन इसको बेटा कहें या क्या कहें, इसने वो 5,000 भी हर महीना आकर ले लेता है तो खाएंगी क्या और पीएंगी क्या? ऐसी औलाद जो माँ बड़ी मेहनतों से और बड़े अरमानों से पालती है और अपनी औलाद के लिए दिलो जान से दुनिया से लड़ना जानती है, लेकिन ऐसी औलाद जो माँ की बुढ़ापे का सहारा बने, उसकी बीमारी का इलाज बने, लेकिन ये औलाद घर तो घर ले लिया और हर महीना जो मेहनत करके पैसे आते हैं वो भी खा लेता है। बहरहाल करीमा बेगम ने क्राइम टुडे न्यूज से रब्त किया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गौस और शेख वाहिद मौके पर पहुंचकर हमारी जिम्मेदारी निभाते हुए उनके सारे हालात को कैमरे में कैद किया। लेकिन हमारी जिम्मेदारी कैमरे में कैद करना ये आपको बताना ही नहीं है, इस करीमा बेगम को इंसाफ भी दिलाना है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनको इंसाफ दिलाएंगे। नाजरीन, अगर आपके करीब आपके पास कोई ऐसे वाकयात हो रहे हो तो क्राइम टुडे किए रब पैदा कीजिए ताकि हम और आप मिलकर ऐसे बुराइयों के खिलाफ लड़ सके। मोहम्मद गौस और शेख वाहिद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। बहुत मेरे को तंग कर रहा, बहुत घर से हकाल दिया, गैस का तेल डाल के जलाया, अब क्या बोलूँ, घर में से हकाल दिया, मार रहा तोड़ रहा कुफला डाल के चल जा रहा, फिर घर छोड़ाई मैच सब मैच करी, क्या बोलना क्या है कि देखे बच्चा बहुत बहुत बस बस करके रखा बोलना ताकि मैं देख। तनख्वाह कितनी देता था बच्चा आपको पहले? नहीं देता, मैं देती हूँ तनख्वाह, ला के भी मेरी खींच लेता तनख्वाह भी, ना काम करता ना कुछ करता, घर में रह कर लड़ना झगड़ना, गैस का तेल डालना जलाना, ऐसा करा तो हम निकल गए, क्या करूँ। आपका बच्चा तनख्वाह ला के देता था या आप तनख्वाह? नहीं, मैं मेरी तनख्वाह में घर चलता हूँ, काम कुछ नहीं जाता, लेके भी रोआब करता सब। कितनी थी आपकी तनख्वाह? मेरी 5,000 है। क्या काम करते हो? बंजारा हिल पे बड़ी नी को देखती। आपको कितने दिन हो रहा घर से निकल के? 15 दिन हुआ घर से निकाल के। क्या बोल रहे हो? फलान डाल ले रहा चल जा रहा, सासू का बहुत सपोर्ट है। किसके उस पे कर रहा है? सासू का, सालियों का, सास का, जोर पे था उसको घुमाने, जोर को कुछ बोलने नहीं देता। किसके नाम पे घर? मेरे नाम पे घर है, पट्टा है घर मेरे नाम पे सब। तो फिर वो पेपर्स हुए किसका ने पट्टा हुए? खींच लिया पेपर, खींच लिया सब, खींच लिया हम फला डाल के, हमको आने भी नहीं दे रहा। कितने दिन से बाहर है आप लोग? 15 दिन से बाहर है। पुलिस कंप्लेंट हुए नहीं करे आप लोग? क्या भी नहीं करे, कौन भी नहीं है हमारे साथ, क्या करेंगे? अभी आप चाह रहे क्या? अभी आप चाह रहे कुछ भी नहीं, मेरा पट्टा मेरे दे देना और
कुछ आपका लड़के को कुछ कर्जा वगैरह कुछ है क्या इसके लिए कर रहा है? मैं कर्जा भी मैं फेड़ी बा 2 लाख कर्जा फेड़ी, शादी करी, सब सब करी, इसको गाड़ी दिलाई, सब करी। अभी क्या करेंगे बाबू, इतना सब करे तो भी अम्मा को नहीं देख सक रहा हूँ ना बहन को देख सक रहा। आपके बच्चे का नाम क्या है? मोहम्मद हबीब। कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बस बस करके रखा सर, जोर के बातों में आता उड़ी पड़ के आता, हमारे को मारने आता है। खुद हाथ मोड़ दिया। किसका हाथ मोड़ दिया? मेरा हाथ तोड़ दिया। गैस का तेल डाल कर जला रहा हमारी बच्ची की दामद। घर में से निकलो मैं गैस का तेल डाल कर जला डालता हूँ, ऐसा बोल रहा। क्या बोलना, परेशान परेशान है 15 दिन से। हम घर को गए तो भी ना बात कर रहा, ना तो जोर बात कर रही, ना कुछ। क्या बच्चों को आने दिए तो बच्चों को मारती, जो बच्चे नहीं आना खरीद बोलती, नहीं लेना मेरे बच्चों को। यहाँ के है आपके बच्चे के ससुराल वाले? हमारे भाऊ बोरा बंडे की है। भाऊ का नाम क्या है आपके? समीना, समीना बेगम। कितने बच्चे हैं आपके भाऊ को? 4 बच्चे हैं, 4 डिलीवरियां मैच करी, एक दिन अम्मा आके नहीं देखी, सब मैं करी, घर छोड़ाई, घर बनाई, मैं सब करी। अब गड्ढापा हो गई बहुत, अब हम आपको हकाल दी। तो अभी आप घर पे गए तो अभी प्रेजेंट अभी गए तो क्या बोलेंगे वो लोग आपके अंदाजे से? क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे, फलन डाल कर चल जा। तो वो लोग है अभी घर पे? अभी अभी होंगे घर पे। तो अभी आप पुलिस कंप्लेंट करना चाहेंगे या कैसा फिर अभी? हाँ अभी कर देते। तो आपको गवर्नमेंट से कुछ कहना है क्या या बस्ती वालों से कुछ कहना है क्या आप लोग? बस्ती वाले भी इसको क्या, बस्ती वाले क्या, बस्ती वालों की किसकी भी सुन रहा ही नहीं होने, तो क्या बोलेंगे बोलो? किसकी भी सुन रहा नहीं, ताया की भी नहीं सुन रहा, ना हमारे भाइयों की सुन रहा है, ना किसकी सुन रहा हूँ। मैं हबीब की बहन हूँ। हम लोग ऐसा घर से हकाल दी, 15 दिन से मैं बाहर हूँ और गैस का तेल धोल के जलाते रहे थे हम लोग को, घर में से निकलो कर रहे थे, इसलिए हम लोग किराए के घर पे है और हमारे वालदा पे बहुत जुल्म हो रहा है और घर में भी नहीं आने दे रहे उन्हों। कितने दिन से नहीं आने? हस्बैंड को भी मार रहे, मार के हकाल दिए हम लोग को। 15 दिन से जी बाहर ही है हम लोग किराए के घर में है। अच्छा, हमारे मम्मी को भी नहीं आने दे रहे घर में। क्यों नहीं आने दे रहे आप लोग? उसका रीजन नहीं पूछा आप लोग? घर उनका है बोल रहे उन्होंने, हमारे हमारे पापा का है घर, लेकिन उनका है बोल के उन्होंने कब्जा कर रहे घर घर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप लोग बोले नहीं वालदा आया था कैसा रहता घर, वो बोल के पूछे नहीं आप लोग? नहीं देना, हमें को नहीं देना बोल रहे उन्हों, ना तो उनको देना पड़ा, नहीं मेरा ही है, मैं रहता हूँ बोल के हम लोग को हकाल दिए। आप किसके नाम पे है? हमारी वालदा के नाम पे है। वालदा को भी आने नहीं दे रहे हो? नहीं आने दे रहे उनको भी। तो अभी चाह रहे क्या आप लोग? अभी मैं तो हमारे वालदा के नाम पे हो जाना और दीवार उठ जाना, उनके नाम पे आधा घर हो जाना बोल के चाह रही मैं तो। और उन्होंने काम करके जीने वाले, उन्होंने तनख्वाह ला के भी दिए तो उन्हें देख नहीं सक रहे लगा, और नौकरानी बना के रख रहे घर में। आपके मम्मी किसको तनख्वाह ला के देते थे? हमारे भाई को, हबीब को। उन्होंने क्या करते तनख्वाह? उन्होंने लेते अभी और रुबाब करते। उन्होंने आपके वालदा को घर में भी नहीं रखे? नहीं रख रहे। दो अम्मा हैं तो भी उनको भी नौकरानी के जैसा दे। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जारा शेख। मैं नहीं हूँ, नहीं देता, मैं सिर्फ देती हूँ तनख्वाह ला के भी, मेरी खींच लेता तनख्वाह भी, ना काम करता ना कुछ करता, घर में रह कर लड़ना झगड़ना, गैस का तेल डालना जलाना, ऐसा करा तो हम निकल गए। क्या करूँ, आपका बच्चा तनख्वाह ला के देता था या आप तनख्वाह? नहीं नहीं, मैं मेरी तनख्वाह में घर चलता हूँ, काम कुछ नहीं जाता, लेके भी रुआब करता सब। कितनी थी आपकी तनख्वाह? मेरी 5,000 है। क्या काम करते हो? 15 ही पे बड़ी नहीं को देखती। आपको कितने दिन हो रहा घर से निकाल के? 15 दिन हुआ घर से निकाल के। क्या बोल रहे हो? फलान डाल ले रहा, चल जा रहा, सासू का बहुत सपोर्ट है। किसके उस पे कर रहा है? सासू का, सालियों का, सास का, जोर पे था उसको घुमाना, जोर को कुछ बोलने नहीं देता। किसके नाम पे है घर? मेरे नाम पे घर है, पट्टा है, घर मेरे नाम पे सब।
फिर वो पेपर सो है किसका ने पटा हुआ है खींच लिया पेपर खींच लिया सब खींच लिया हम को फला डाल के हमको आने भी नहीं दे रहा कितने दिन से बाहर है आप लोग 15 दिन से बाहर है पुलिस कंप्लेंट हुए नहीं करे आप लोग क्या भी नहीं करे कौन भी नहीं है हमारे साथ क्या करेंगे अभी आप चाह रहे क्या अभी आप चाह रहे कुछ भी नहीं खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज देखते रहिए माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है मैं जारा शेख क्राइम टुडे न्यूज आज के इस नफसा नफसी के दौर में हमने देखा है और सुना है कि भाई ने भाई को किया बेघर अपने रिश्तेदारों का हक मारना आम बात हो गई कब्रिस्तानों की जमीनात को कब्जे करना ये भी आम बात हो गई कफन के नाम पर चंदा करना पानी को बेचकर पैसे कमाना हराम की कमाई यानी फाइनेंस को बिजनेस का नाम देकर इमारतें खड़ा करना यतीमों बेवाओं माजूरों के नाम पर पैसा कमाना ऐसा है हमारा हैदराबाद जो आए दिन कई वाकये देखने को मिले लेकिन एक ऐसा वाकया जो आप देखेंगे तो हैरत करेंगे कि ऐसी औलाद होने से ना होना अच्छा है जो हमको फसलांसर सैयद नगर के इलाके में देखने को मिला एक माँ और उसकी बेटी को किया बेघर उसी के बेटे ने जिसका ना और हर महीना जो मेहनत करके पैसे आते हैं वो भी खा लेता है बहरहाल करीमा बेगम ने क्राइम टुडे न्यूज से रब्त किया हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गौस और शेख वाहिद मौके पर पहुंचकर हमारी जिम्मेदारी निभाते हुए उनके सारे हालात को कैमरे में कैद किया लेकिन हमारी जिम्मेदारी कैमरे में कैद करना ये आपको बताना ही नहीं है इस करीमा बेगम को इंसाफ भी दिलाना है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनको इंसाफ दिलाएंगे नाजरीन अगर आपके करीब आपके पास कोई ऐसे वाकयात हो रहे हो तो क्राइम टुडे किए रब पैदा कीजिए ताकि हम और आप मिलकर ऐसे बुराइयों के खिलाफ लड़ सके मोहम्मद गौस और शेख वाहिद के साथ मैं शेख रहमत अली क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद घर से हकाल दिया गैस का तेल डाल के जलाया क्या घर में से हकाल दिया मार रहा तोड़ रहा कुफला डाल के चल जा रहा फिर घर छुड़ाई मैच सब मैच करी क्या बोलना क्या है कि देखे बच्चा बहुत खुद पस पस करके रखा हम लोगों को तनख्वाह कितनी देता था बच्चा आपको पहले पट्टा में दे देना और वो 7 गज पे दीवार उठा के दे दे कुछ आपका लड़के को कुछ कर्जा वगैरह कुछ है क्या उसके लिए कर रहा है कर्जा भी मैं फेड़ी बा 2 लाख कर्जा फेड़ी शादी करी सब सब करी इसको गाड़ी दिलाई सब करी अभी क्या करेंगे बाबू इतना सब करे तो भी अम्मा को नहीं देख सक रहा हूँ ना बहन को देख सक रहा आपके बच्चे का नाम क्या है मोहम्मद हबीब कितने बच्चे हैं आपको 2 ही बच्चे हैं एक बेटा एक बेटी बस बस करके रखा सर जोर के बातों में आता उड़ी पड़ के आता हमारे मारने आता है खुद हाथ मोड़ दिया किसका हाथ मोड़ दिया मेरा हाथ तोड़ दिया गैस का तेल डाल कर जला रहा हमारी बच्ची की दामत घर में से निकलो मैं गैस का तेल डाल कर जला डालता हूँ ऐसा बोल रहा क्या बोलना परेशान परेशान है 15 दिन से हम घर को गए तो भी ना बात कर रहा ना तो जोर बात कर रही ना कुछ क्या बच्चों को आने दिए तो बच्चों को मारती जोर बच्चे नहीं आना खरीद बोलती नहीं लेना मेरे बच्चों को मोहम्मद हमीद है तफसीलात के मुताबिक 180 गज पर करीमा बेगम का मकान बना हुआ है और बड़ी अरमानों से और बड़ी मेहनत कर कर ये घर को उसने बनाया था और ये घर किसके लिए बनाया था इसी बेटे के लिए और इसी की बेटी के लिए लेकिन मोहम्मद हमीद ने शादी के बाद माँ और बहन पर जुल्म करना शुरू कर दिया और इतना जुल्म किया कि उनको बेघर कर दिया पिछले 15 दिन से माँ और बेटी यानी करीमा बेगम और उनकी बेटी हाजरा बेगम दूसरों के घरों में रहना लगे हैं हमीद उनके पास से उनके कागजात ले लिया और तो और जुल्म की इंतहा करते हुए करीमा बेगम बंजारा हिल्स पर एक मकान में काम करती है और उसको हर महीना
5,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन इसको बेटा कहें या क्या कहें, इसने वो 5,000 भी हर महीना आकर ले लेता है, तो खाएंगी क्या और पीएंगी क्या? ऐसी औलाद जो माँ बड़ी मेहनतों से और बड़े अरमानों से पालती है और अपनी औलाद के लिए दिलो जान से दुनिया से लड़ना जानती है, लेकिन ऐसी औलाद जो माँ की बुढ़ापे का सहारा बने, उसकी बीमारी का इलाज बने, लेकिन ये औलाद घर तो घर ले लिया।